हाय गाइस, स्वागत है आप सभी के आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं को बताऊंगा पीएफ का बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से। दोस्तों, जैसा एक फ्रेंड्स, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं दोस्तों, वहां पे आपको पेमेंट स्लिप मिलता होगा। दोस्तों, पेमेंट स्लिप में यूएन नंबर होगा। दोस्तों, आपके पास यूएन नंबर होगा तो तभी पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो इसके अलावा पीएफ का बैलेंस आप चेक नहीं कर सकते दोस्तों। फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, घंटी को प्रेस किया दोस्तों, ऐसी इसी रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा, गूगल या क्रोम पे जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसमें आपको टाइप करना है, इसमें टाइप करना है epfindia.gov.in लिखते फ्रेंड्स आपको सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास इस तरह का पेज खुलकर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप ईपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ कट का ऑप्शन है, यहाँ पे कट कर देना, थोड़ा इसको जूम करना फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है केवाईसी अपडेट मेंबर, इस पर क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास फिर से दूसरा पेज खुलकर फ्रेंड्स आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। और फ्रेंड्स, थ्री डॉट पर जाना है, डेस्कटॉप साइड दे देना यहाँ पर, फिर से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जूम करना है। और फ्रेंड्स, यूएन नंबर पासपोर्ट, अब जो भी यूएन नंबर का पासपोर्ट बनाएंगे, पासपोर्ट डालेंगे, यूएन नंबर डालेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ डाल देता हूँ यूएन नंबर पासपोर्ट मेरा जो है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कैप्चा है, जैसा कैप्चा भरा है वैसा ही यहाँ पे सेम भरेंगे। चलिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे जैसे क्लिक करेंगे फिर से आपका दूसरा पेज खुल कर, यहाँ पे कट का ऑप्शन है, कट कर देना। और फ्रेंड्स, यहाँ पे यूएन नंबर आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, मेल है कि फीमेल है, लास्ट आधार कार्ड का 4 अंक देखने के लिए मिलेगा, पैन नंबर मिलेगा, आपके पीएफ के अकाउंट के साथ जो भी बैंक अकाउंट नंबर लिंक है वो बैंक अकाउंट नंबर दिखाई देगा, मोबाइल नंबर दिखाई देगा जो लिंक है मोबाइल नंबर पीएफ के साथ, यहाँ नॉट अवेलेबल, मैंने ईमेल आईडी यहाँ पर लिंक नहीं करना है। और फ्रेंड्स, मुझे चेक करना है तो यहाँ पर व्यू पर जाना है। अब यहाँ पे नीचे पासबुक का ऑप्शन है, पासबुक को क्लिक करेंगे। पासबुक पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपका दूसरा पेज खुल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूएन नंबर और पासवर्ड मांगा जा रहा है, आपका जो भी यूएन नंबर और पासवर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पे डालिए। चलिए मैं डाल देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा जो यूएन नंबर पासवर्ड है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कैप्चा मांगा जा रहा है, यहाँ पर आपको थोड़ा जोड़ घटा करना है, 11 में से एक घटता कितना बचा, कितना बचता है वो आंसर यहाँ पर डाल देना है। माइनस प्लस का ऑप्शन आएगा, वो भी यहाँ पे आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। चलिए मैं 11 में से 1 घटे कितना बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, मैं डाल देता हूँ 10 यहाँ पे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा नेम आ जाएगा, यूएन नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखने के लिए मिलेगा। और फिर यहाँ सिलेक्ट मेम्बर आई डी, इस पर क्लिक करना है। आप जो भी मेम्बर आई डी का पी एफ देखना चाहते हैं वो मेंबर आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं जिसका भी चेक करना चाहता हूँ। मेरे पास 3 मेंबर आईडी है, मैं यहाँ पे थर्ड का देखना चाहता हूँ, थर्ड पे मैंने क्लिक करा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यहाँ व्यू क्लेम स्टेटस, व्यू पासबुक, डाउनलोड पासबुक, क्योंकि मुझे पासबुक यहाँ पर डाउनलोड करना है पीएफ का बैलेंस चेक करने के लिए। मैं डाउनलोड पासबुक पर क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। जैसे डाउनलोड पासबुक क्लिक करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, डाउनलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, ये मेरे डाउनलोड होगा, पीडीएफ होगा, मेरे फाइल मैनेजर में जाएगा। मैं फाइल मैनेजर में जाकर चेक कर लेता हूँ फ्रेंड्स, मेरा ये पीडीएफ है डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने फाइल मैनेजर में चेक कर लेता हूँ जाकर। अब बैक आ जाता हूँ फ्रेंड्स यहाँ में। और फ्रेंड्स, मैं जाता हूँ अपने फाइल मैनेजर, जहाँ मेरा फाइल मैनेजर, वहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ हुआ है या नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये हो गया फर्स्ट में, देखिए ये पीडीएफ हो गया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरा पर 948 रुपये है, 1290 रुपये, कम से कम लगभग 1238 रुपये मेरा यहाँ पे बन रहा है पीएफ का। आपका जो महीना में पीएफ कटा फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे तारीख डेट है। और मैं पूरा डिटेल्स आपको मेम्बर आईडी जितना कोई भी पूरा कंपनी का नाम जितना कुछ आपको फ्रेंड्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे में नीचे के साथ आपको जितने तारीख को डाउनलोड पीडीएफ करें तो यहाँ पे डेट आ जाएगा, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए फ्रेंड्स आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, ये पूरा कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स यहाँ पर। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी अपना पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए,
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर मन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं मेरे से।